नीतीश कुमार ने बयान जो सदन में दिया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, वो जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है और चौक चौराहे पे इसकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नीतीश जी का बयान आया है मुख्यमंत्री साहब का सदन में, सुने हैं बयान क्या क्या कैसा आप देखते हैं? देखिए, इस्लाम में सबसे पहले बच्चे को मदरसे में भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है कि अदब तहजीब सीखने के लिए। वो जो नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में बोले हैं, क्या उसको आप कैसे लेते हैं? वो निंदीय है, जो बात है वो निंदीय है, तहजीब के खिलाफ है और बेपर्दगी वो बात है, क्योंकि सबकी बेटी है, सबको बहू है, सबका सास है, ससुर है, सब है। और ऐसे जगह पर ये बात नहीं होना चाहिए जो तहजीब का खिलाफ। इसलिए पर्दा किसको कहा जाता है? पर्दा उसी को कहा जाता है जो हया से बचाए, बेपर्दगी जो है। चर्चा ये भी हो रहा है कि नीतीश कुमार जी का एज बढ़ गया है तो इस तरह का बयान देते रहते हैं। सब राजनीति का मंजर है, सब लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, बात अलग है। 32 दांत में एक जुबान है। चलिए, यहाँ पे और कुछ लोग हैं। नीतीश जी बयान दिए हैं, सुने हैं सदन में? नहीं सुने हैं। आप युवा हैं, युवा जो है कि बिहार में माना जाता है युवाओं का, और आप सुने हैं? देखिए, बहुत बहुत बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इनको पता बोले हैं, बहुत गलत बात बोले हैं। अच्छा, देखिए आप ये बोल रहे हैं, डरे हुए नहीं ना हैं? अरे उनसे कौन सी डरना है। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि नहीं सुने हैं। नहीं, जो भी बोले हैं गलत बोला है, इनका रिएक्शन बहुत गलत जाएगा। अच्छा अच्छा, देश का सीएम है व्यक्ति, उनको इस तरीके का नहीं बोला है, क्या बोल रहे हैं? फिर बाद में तो माफी भी मांगे हैं। माफी मांगने से क्या हुआ? आपको एक थप्पड़ मार दे हम, फिर माफी मांगने से माफी मिल जाएगा? चलिए, इस तरह का और कुछ लोग। नीतीश कुमार जो है कि सदन में बोले हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, सुने हैं क्या क्या कैसे देखते हैं आप? किस पोस्ट पे हैं अभी? गरिमा को करना चाहिए था और सोचा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ठीक, अपनी बातों को रखें, बोले, नियंत्रण होना चाहिए। और जो जो हिसाब से वो बोले हैं बहुत गलत बोले हैं, और बोलना नहीं चाहिए था। हर घर में, जो भी हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, सबके एक पोस्ट पे रह के गरिमा को अपने देखना चाहिए। किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या हम बोल रहे हैं, और बाद में माफी मांग रहे हैं, शुरू में आपको बोल दिए मटेरियल कहे जाते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो बोलने दीजिए। तो होने वाला कुछ है, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, कुछ लोग तो आज कुछ नहीं है, कभी उधर जाते कभी उधर जाते हैं, एक जगह तो होना चाहिए होता है ना। कहीं कहीं जो है कि ऐसा लोग भी बयान दे रहे हैं कि उम्र हो गई है, उम्र तो हो गई है, तो उम्र के साथ भी तो उसका जीना, उम्र तो हो गई है तो बात उसका अच्छे से है, उसका भी तो कुछ लॉजिक है इसमें, ऐसा तो थोड़े ना है। और जो जिस हिसाब से बोले हैं उनको नहीं बोलना चाहिए था, जिस पोस्ट में बह दिया एज ए मुख्यमंत्री है वो है, उनको तो पूरे बिहार को लेकर चलना है, पूरे पूरे बिहार की बहन है, बेटी है, समान है। अब ऐसा वो बात बोले खून को शर्मिंदा, बाद में माफ़ी मांग रहे सर, इतना हंगामा होने पर। और बाकी तो और पार्टी लोग तो बोलेगा, उन लोगों का काम है बोलना। नीतीश कुमार जी का जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं सदन में, उनकी बयान सुने हैं? कैसे लेते हैं? जनसंख्या भी अच्छा बाद में लोगों का ऐसा गुस्सा आया तो बाद में फट जाइए, उसके बाद वो माफी मांगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पीएम पद के लायक नहीं, माननीय एक बिहार का सीएम है और सीएम पे बहुत सारे लोग जो होते हैं नहीं दे पाते हैं बयान, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री है, बोलेंगे तो खिलाफ हो जाएंगे, तो इस तरह का जो अपनी बात को भी नहीं रखते हैं, ये बिहार के लिए है। कैमरामैन अमरेश के साथ।